Hello everyone. Hello everyone. Good morning everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं confirmation देंगे सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं confirmation दो यार Is audibility absolutely fine to each and everyone? Is audibility absolutely fine to each and everyone? जल्दी fast. Good morning Kishore. Good morning Dinesh. हेलो बिट्टू गुड मॉर्निंग सपना गुड इवनिंग शिवानी गुड मॉर्निंग हिमाली गुड मॉर्निंग बिट्टू गुड मॉर्निंग सुमन गुड मॉर्निंग मृगाक्षी गुड मॉर्निंग रागिनी जल्दी फटाफट सभी लोग मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हो महसूस कर पा रहे हो फील कर पा रहे हो जीवन जी पा रहे हो या नहीं जल्दी बोलो बे जल्दी बोलो गुड मॉर्निंग पलक क्या हाल चाल पलक पलक का मतलब क्या होता है हिंदी में गुड मॉर्निंग रितिक गुड मॉर्निंग मेरा कहां गया आपका गुड मॉर्निंग चूहे खा गए पूरा का पूरा क्या पूरा का पूरा यस सर पूरा का पूरा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग प्रदीप बहुत बढ़िया चलिए सो गाइस सबसे पहले तो यू आर वेलकम टू दिस क्लास तो गाइज ये बता देता हूँ आपको सबसे पहले एक क्लास किस चीज के रिगार्डिंग है तो गाइज आज से हमने 8 महीने पहले एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिस इनिशिएटिव के अंदर हमारी डेली 2 क्लासेस होती हैं एक क्लास गाइज हमारी दिन में होती है 11:15 पर जिसके अंदर आप अभी हैं और एक क्लास हमारी शाम को होती है 9:30 ऑन द टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म और वो क्लास होती है इन द फॉर्म ऑफ क्विज तो गाइज इस पर्टिकुलर 11:15 पर मैं जो आपको टॉपिक डिस्कस करता हूँ ये वो टॉपिक होता है बेसिकली ठीक है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में AEJEE के एग्जाम में पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूअसली बार बार रिपीटेटिव मोड में पूछा जा रहा है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक MIT जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इस पूरे 8 महीने के अंतराल में मैंने आपको 200 से ज्यादा टॉपिक ऐसे पढ़ा दिए हैं गाइस अभी तक अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस जो टॉपिक आपको दिन में 11:15 पे पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग शाम को आपको 9:30 मैं क्विज कंडक्ट करवाता हूँ जिस क्विज के अंदर जो बच्चा विनर होता है उसको मिलती है टेस्ट बुक की टीम की तरफ से 12,500 रुपीस की स्कॉलरशिप भी उसको मिलती है अब इस स्कॉलरशिप के बेस पे एक बच्चा क्या कर सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं देन वी विल स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक ठीक है और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार सेशन को शेयर एंड लाइक कर दो ये सेशन ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये जेईई के बच्चों को कोई पढ़ाता भी नहीं है है ना तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं तो सेशन को शेयर एंड लाइक कर दो फटाफट जल्दी से ठीक है तब तक मैं आपको बताता हूं कि एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बेस पे क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता ठीक है चलिए तो गाइस टेस्टबुक ने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट लॉन्च किया था नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज टेस्टबुक सुपर कोचिंग गाइस टेस्टबुक सुपर कोचिंग टेस्टबुक का एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप हर एक बच्चा जो AE और JEE एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाएगा कभी डिसअपॉइंटेशन नाम की कोई चीज उसको देखने को नहीं मिलेगी द रीजन बिहाइंड दैट इज गाइस टेस्टबुक सुपर कोचिंग ने आपको क्या दिया है वो बताता हूं सबसे पहले तो गाइज आपकी इच्छा है कि सर मोहित सर आपसे हमको पढ़ना है तो गाइज मेरा कंप्लीट बैच यहाँ पर AEJEE का अवेलेबल है तो कंप्लीट बैच अवेलेबल है आप उसको एक्सेस कर सकते हो टेक्निकल का अवेलेबल बैच अवेलेबल मैं तो टेक्निकल डील करता हूँ तो टेक्निकल का बैच अवेलेबल है इसके बाद गाइज आप लोगों का यहाँ पे नॉन टेक्निकल का बैच भी अवेलेबल है जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है थर्ड गाइस इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट है उनके टीचर्स के भी बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं ठीक है आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो इफ यू हैव अ टाइम देन गाइस 1000 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं और टोटल मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो 12,000+ हैं उनके लिए कोई अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा 500 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट है उनके लिए कोई अमाउंट एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि गाइज यहाँ पर आपको मेरी लाइव क्लासेस मिलती है आप लोगों से लाइव क्लासेस क्या काम की है आपकी बताता हूँ गाइज आप सभी बच्चों को डाउट्स आते हैं बीच में टॉपिक वाइज वो सारे आप क्लियर कर सकते हो रिवीजन आपको मैं करवाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ 1-to-1 इंटरेक्शन हम लोग करते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन मतलब हम लोग प्रॉपर वे में एक एक करके एक एक बच्चे से हम लोग बातें करते हैं ठीक है एक एक घंटे तक ताकि उसका प्रॉपर टाइम टेबल बन पाए और प्रॉपर टाइम टेबल के साथ साथ वो प्रॉपर अवेलेबल सारी चीजें कर पाए क्लियर है यस टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी अवेलेबल बिट्टू टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी अवेलेबल इसके लिए आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस
इसके लिए अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को एनरोल करने के लिए आपको जो पर मंथ अमाउंट की जरूरत है वो है 625 रुपीज। बट गाइस अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो जो कि टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कोड है जिसका नाम है क्लियर है जिसका नाम है ना मोहित के, तो आप 20% का डिस्काउंट ले सकते हो और आफ्टर द गिवन 20% डिस्काउंट आपको 500 रुपीज का ये मिल जाता है। आपको कितने का मिलता है ये 500 रुपीज का मिलता है। बट बेटा जो बच्चा हमारे टेस्ट बुक का विनर होता है जो शाम को क्विज का विनर होता है उस विनर को हमारे टेस्ट बुक की टीम की तरफ से मिलती है एक बहुत ही प्यारी स्कॉलरशिप और जिस स्कॉलरशिप के बेस पर है ना जिस स्कॉलरशिप के बेस पर उसको सीधे डायरेक्ट इतना ही नहीं सिर्फ 20% नहीं गाइस 50% डिस्काउंट मिलता है और यही उसको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज पर मंथ के अंदर मिल जाता है। तो गाइस विनर बनने की पूरी पूरी कोशिश करो और आज का टॉपिक हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्वाति, आज का टॉपिक हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं एंड आवर टॉपिक टुडेज इज दैट इज डिफरेंस बिटवीन गॉस सिडल एंड अ न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, गॉस सिडल एंड अ न्यूटन रैप्सन मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, गॉस सिडल एंड न्यूटन रैप्सन मेथड हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बिट्टू, अलग से नॉन टेक्निकल के कोर्स को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिग्नेश बेटा, डिप्लोमा में से मतलब नहीं है, आपका जब जेई के एग्जाम होते हैं तो बहुत बार जेई के एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे को कोई मतलब नहीं आपने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग किया है, मैं पढ़ाता हूं आपको एई और जेई एग्जाम के लिए, तो एई और जेई एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग के बच्चों को पीएलसी स्काडा नहीं पढ़ाते, फिर क्यों आ जाता है पेपर में, फिर क्यों आता है पेपर में, है ना? तो पेपर में क्या आता है पेपर में क्या नहीं आता है ये तो पेपर वाले को कभी जीवन में नहीं मालूम। तुम्हारा काम है तुमको पढ़ाई करना बस, तो पढ़ाई करते चलो आगे बढ़ते चलो जीवन में, पढ़ाई करते चलो जीवन में आगे बढ़ते चलो, और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है इसके अलावा। चलो तो गाइस आज मैं आप लोगों को गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन मेथड का डिफरेंस लिखाने वाला हूँ। क्लियर है, अब पढ़ाने लगे हैं पीएलसी स्काडा भी, बहुत बढ़िया। चलो तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन का डिफरेंस। सबसे पहले तो बेटा ये दोनों मेथड जो होते हैं वो किस काम आते हैं, ये दोनों मेथड जो होते हैं हमारे लोड फ्लो स्टडीज मतलब लोड फ्लो सॉल्यूशन निकालने के काम आते हैं। आप बोलो सर ये होता है क्या लोड फ्लो स्टडीज या लोड फ्लो सॉल्यूशन, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि बेटा कौन सी बस पे पावर की अवेलेबिलिटी है, कौन सी बस पे पावर की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, कौन सी बस पे पावर की अवेलेबिलिटी है, कौन सी बस पे पावर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लियर है, ठीक है, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो कौन सा जनरेटर बेसिकली पावर के देने के लिए अवेलेबल है, कौन सा जनरेटर पावर देने के लिए अवेलेबल नहीं है, है ना? अगर आपको कहीं लोड की रिक्वायरमेंट है तो कौन आपको दे सकता है, या फिर आपकी लोड की डिमांड जो भी कोई फुलफिल कर रहा है ना, जैसे आपके शहर में है ना, अगर हम बात करें आपके शहर में आप लोगों ने बढ़िया आपके शहर के लोड के लिए आपके शहर में आपके आपके लोड के लिए आप लोगों ने बढ़िया पावर प्लांट बनाया, अब धीरे धीरे आपके शहर का लोड बढ़ता जा रहा है तो बेटा पावर प्लांट के है ना पावर प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, है ना, पावर प्लांट की कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अब पावर प्लांट की जब कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी प्लानिंग कौन करेगा? तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ लोड फ्लो स्टडीज। और बेटा लोड फ्लो स्टडीज के अंदर जो मेथड लगाए जाते हैं सॉल्व करने के लिए वो होते हैं गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो अब एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछता कोई कि गॉस सिडल मेथड के बारे में बताओ या न्यूटन रैप्सन के बारे में बताओ, इनके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछता है। गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन मेथड, इंजीनियरिंग के बच्चे इस मेथड को पढ़ते हैं, ठीक है, और डिप्लोमा के बच्चे इसको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते, बट जेई एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जेई एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, जेई एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, जेई एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, चल इसके बाद देखते हैं। अब गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन के बारे में बात करते हैं, गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन के बारे में बात करता हूं मैं, गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन के बारे में बात करता हूं, जरा मेरी बात को सुनना, गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले बेटा गॉस सिडल के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले गॉस सिडल के बारे में मैं बात करता हूँ कि गॉस सिडल एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक है, सबसे पहले मैं गॉस सिडल के बारे में बात करता हूँ कि गॉस सिडल एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक है, चलिए तो बेटा गॉस सिडल एक्चुअली में क्या चीज है जरा सुनना, गॉस सिडल एक्चुअली में जरा है क्या चीज वो सुनना।
ये वो मेथड होता है ना, जहां पर इटरेशन मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लगती हैं, ठीक है। तो बेटा गॉस सीडल मेथड से जब भी लोड फ्लो का सोल्यूशन निकालते हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ इटरेशन आपके ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैं लिखता हूं कन्वर्ज आफ्टर मोर नंबर ऑफ इटरेशन, बेटा गॉस सीडल मेथड जो आपका होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब गॉस सीडल मेथड की मदद से, है ना, गॉस सीडल मेथड की मदद से तभी रिजल्ट निकल के आता है। फिर से बोलता हूं, गॉस सीडल मेथड की मदद से तभी रिजल्ट निकल के आता है जब आपके नंबर ऑफ इटरेशन या नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होती है। सिमिलर वे में गाइज, अगर हम न्यूटन रैप्सन की बात करें, तो ये यूजुअली कन्वर्ज हो जाता है, विदिन थ्री टू फाइव इटरेशन। इटरेशन मतलब अगेन स्टेप्स, है ना। तो तीन से पांच एटी के एग्जाम में पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही आया था एंड सेमीकंडक्टर। क्या बात है गजेंद्र भाई, मैंने जो पढ़ाया था वो आया था कि नहीं आया था, उससे कोई मतलब नहीं मेरे को, क्या आया था, ये दोनों चीजें तो मैंने ही पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। वो तो मैंने पहले ही बोला था, सबसे ज्यादा वही पार्ट आएगा जो अपन पढ़ाता है। फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, ये रोटेशन, मोशन, इन सबसे मेरे को कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स अपन ने पढ़ाया था, ये आया था कि नहीं आया था ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बस। चलो, तो गॉस सीडल मेथड बेटा वो मेथड होता है जो अब मोर नंबर ऑफ इटरेशन के बाद कन्वर्ज होता है दो वेव ऑप्टिक्स से और एक न्यूक्लियर फिजिक्स से, बाकी पूरा 12th की मैथ, नहीं बोलना, फिजिक्स। चलिए, और न्यूटन रैप्सन बेटा बेसिकली आपका होता है यूजुअली कन्वर्ज होता है विद इन 3 टू 5 इटरेशन, ठीक है। चलिए, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें गॉस सीडल के बाद, ठीक है, तो याद रखना, है ना, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें गॉस सीडल के बाद, बेटा गॉस सीडल में नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लगती हैं, बट हर एक स्टेप का जो टाइम होता है वो कम लगता है, मतलब हर स्टेप जो होती है छोटी छोटी होती है। तो मैं लिखता हूं टाइम पर इटरेशन इज लेस, और यहां पर बेटा टाइम पर इटरेशन मोर, तो यहां पर बेटा आपका टाइम पर इटरेशन लेस होता है ना, और यहां पर आपका टाइम पर इटरेशन मोर होता है ना, यहां पर आपका टाइम पर इटरेशन लेस होता है और यहां पर आपका, है ना, यहां पर आपका टाइम पर इटरेशन मोर होता है। तो एक स्टेप को सॉल्व करने में यहां पर टाइम कम लगता है और एक स्टेप को सॉल्व करने में यहां पर टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होती हैं वो मोस्टली, है ना, हमारी जो इसके लिए जो स्टेप्स होती है मोस्टली गॉस सीडल के अंदर वो एल्जेब्रिक मैथमेटिकल स्टेप्स होती हैं। तो मैं लिखता हूं एल्जेब्रिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन,
यस एनालिसिस कराएंगे भाई, ए जो आपने पढ़ाया था वो आया था, जितना पढ़ाया था उतना आया था और उतना ही किया, नॉन टेक मस्त गया है। ओके फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल फिजिक्स ज्यादा पूछ ज्यादा आया था, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स ज्यादा आ गई थी, बहुत बढ़िया कल्प्रिट सुना लियो। चलिए एनालिसिस करोगे? हाँ भाई एनालिसिस करेंगे। कल्प्रिट क्या हुआ भाई, जो पढ़ाया था वो आया था कि नहीं आया था, ऐसा बता दे बस, बाकी तो सब ठीक है। गुड मॉर्निंग पद्मा। चलिए तो गाइस याद रखेंगे, गॉस सिडल के अंदर हम लोग एल्जेब्रिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं, गॉस सिडल के अंदर हम लोग एल्जेब्रिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं, एल्जेब्रिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं, और न्यूटन रैप्सन, और न्यूटन रैप्सन के अंदर हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स। यहाँ देखते हैं इंक्लूड कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, इंक्लूड कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स। तो यहां पर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स को इंक्लूड करते हैं, यहां पे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, है ना, यहां पर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स देखते हैं और यहां पर हम लोग एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स देखते हैं। ठीक है चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, इसके बाद है ना, इसके बाद इसके अंदर अगर इस वाले पर्टिकुलर गॉस सिडल की बात करोगे ना, तो इसके अंदर जो मेमोरी चाहिए है ना, रिक्वायर लेस कोर मेमोरी, रिक्वायर लेस मेमोरी, इसके अंदर मेमोरी की वैल्यू कम चाहिए होती है। ठीक है, रिक्वायर लेस मेमोरी, मेमोरी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि ये सारा गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन बेसिकली आप जो अप्लाई करते हो, ये सारा गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन जो आप बेसिकली अप्लाई करते हो, ये आप अप्लाई बेसिकली करते हो, पता है किस चीज के लिए, एमसीक्यूज ज्यादा थे एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल। ओके ओके कल्प्रिट, ओके 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 सर, गॉट पोस्टिंग इन बॉम्बे, क्या बात है, एबी डिविलियर्स लव यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बलवंत सर, फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर रेशियो, ये सब तो ईजी था, फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर रेशियो ईजी आ गया था पेपर, चलो एमसीक्यूज ज्यादा था, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस गॉस सिडल मेथड के अंदर हमको कम मेमोरी की जरूरत होती है, और अगर हम बात करें एक न्यूटन रैप्सन मेथड की, तो न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हम बात करें तो हमको मोर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, मोर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है हमको न्यूटन रैप्सन के अंदर। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे, ये फिक्स्ड टेंजेंट मेथड, फिक्स्ड टेंजेंट मेथड, फिक्स्ड टेंजेंट मेथड, ठीक है। और अगर हम बात करें यहां पे, ये वेरिएबल टेंजेंट मेथड है, तो आपका गॉस सिडल आपका फिक्स टेंजेंट मेथड होता है, क्लियर है ना, और आपका एनआर होता है वेरिएबल टेंजेंट मेथड। एबी डिविलियर्स एकोमोडेशन बेटा वेरी करता है जगह जगह से जगह, है ना, बहुत बार जगहों पर एकोमोडेशन अवेलेबल होता है तो प्रोवाइड कर देते हैं स्टार्टिंग में, है ना, बहुत बार जगहों पर एकोमोडेशन नहीं होता है तो नहीं प्रोवाइड कर पाते, है ना, तो ये वेरी करता है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरी करता है इवन डिपार्टमेंट से लेकर जगहों से लेकर के समय से लेकर के, समय भी डिपेंड करता है ना, तो ये इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है बेटा, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। जहां तक याद है लास्ट ईयर टू और थ्री ऑफ स्टूडेंट्स गॉट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, दे गॉट अकोमोडेशन, है ना, फॉर 3 months ओनली, है ना, आउट ऑफ देम टू गॉट अकोमोडेशन फॉर 3 months एंड वन गॉट अकोमोडेशन फॉर एंटायर 1 year, है ना, अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी थी वहां पे तो कुछ ऐसा इशू था, उसके पहले 1 साल में बात थी अकोमोडेशन नहीं मिला था, बैंगलुरु के अंदर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया था, तो डिपेंड करता है कहाँ पे कैसा है, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये है वो है ना, तो ये तो सारी चीजें वहीं जाके पता चलेंगी, बट लोड मत ले इतना, कोई दिक्कत नहीं। चल तो गाइस गॉस सिडल की बात करेंगे, तो गॉस सिडल हमारा फिक्स टेंजेंट मेथड है और न्यूटन रैप्सन हमारा वेरिएबल टेंजेंट मेथड है। इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 6 नंबर पे, इसके अंदर गॉस सिडल मेथड के अंदर इनिशियली जो फर्स्ट स्टेप होती है वो आपकी मतलब इनिशियली गैस करना हमारा इजीली होता है, इनिशियल गैस इज इजी, इनिशियल गैस इज इजी, GUESS इजी होता है, इनिशियल गैस इजी होता है, और अगर हम बात करेंगे एनआर मेथड की तो इनिशियल गैस डिफिकल्ट है, इनिशियल गैस हमारा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे बेटा कुछ 7 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है गॉस सिडल और न्यूटन रैप्सन में, इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ज होता है ये, ज्यादा स्टेप्स लगती है, न्यूटन रैप्सन में स्टेप्स कम लगती है, बट गॉस सिडल में हर एक स्टेप में टाइम कम लगता है लेकिन न्यूटन स्टेप में टाइम ज्यादा लगता है। गॉस सिडल थोड़ा एल्जेब्रिक टाइप का फॉर्मुलेशन है बट न्यूटन रैप्सन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। गॉस सिडल में आपकी मेमोरी कम लगती है, न्यूटन रैप्सन मेमोरी ज्यादा लगती है। गॉस सिडल को फिक्स टेंजेंट मेथड बोलते हैं, नाम याद रखो, न्यूटन रैप्सन को वेरिएबल टेंजेंट मेथड बोलते हैं। गॉस सिडल का इनिशियल गैस इजी है और इसका इनिशियल गैस डिफिकल्ट होता है। इतनी सारी इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसके बाद आपको कोई भी पॉइंट इसके अंदर याद नहीं रखना है। क्या बेटा यहाँ तक का पार्ट क्लियर होता है सभी बच्चों को? क्या यहाँ तक का पार्ट क्लियर होता है? सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के आया था। ओके, क्या आपको यहां तक का पार्ट क्लियर होता है सभी बच्चों को? जल्दी बोलेंगे फास्ट। क्या यहां तक का पार्ट क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी बोलेंगे फास्ट।
कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉम्बे की भाई मस्त जगह है, जाए एकदम कोई दिक्कत नहीं। बॉम्बे में कहाँ पे पहले ये बता, बॉम्बे बहुत बड़ा है रे, बॉम्बे में कहाँ लिखा एड्रेस, एड्रेस कहाँ का है? थाने घाटकोपर, दादर है, कहाँ का एड्रेस है? अंधेरी, नवी मुंबई, बेंड्रा, मरीन लाइन्स, आ जा कोई दिक्कत नहीं, आराम से आराम जा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन से उतरना ठीक है, ट्रेन से उतरना बढ़िया। कहाँ पर उतरेगा ट्रेन से? एलटीटी जा रहा हो तो एलटीटी तो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एलटीटी नहीं जा रहा हो तो मुंबई सेंट्रल उतर जाना, ठीक है। मुंबई सेंट्रल उतर के मेट्रो मिलेगी है ना, तेरे को मेट्रो डायरेक्ट मरीन लाइंस ले जाएगी, चर्च गेट बोल देना उसको। क्या बोलना? मरीन लाइंस में बैठना कहाँ? चर्च गेट। और एक एम इंडिकेटर नाम की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर ले मोबाइल के अंदर, वो मेट्रो का पूरा तेरे को बताती है कौन सी मेट्रो किधर से किधर जाती है, एकदम टाइम टू टाइम कितने बजे आएगी, अपडेट लाइव चलती है वो। तो एम इंडिकेटर नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, पहुंच जाएगा टाइम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा, कोई दिक्कत, ठीक है। चल चर्च गेट उतर जाना, वहां से मरीन लाइन पहुंच जाएगा। चल चलो, तो इनिशियल गैस जो है बेटा वो क्या है, गॉस सीडल का है ना, इजी है। और न्यूटन रैफसन मेथड का इनिशियल गैस जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इनिशियल गैस मतलब होता है पहली स्टेप को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब शाम को इसी टॉपिक के ऊपर गाइस मैं एक क्विज कंडक्ट करूंगा आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन। उस क्विज के अंदर जो विनर होगा उसको मिलेगी टेस्ट बुक की टीम की तरफ से है ना। हाँ मेट्रो नहीं, सॉरी लोकल, सॉरी सॉरी मेट्रो नहीं लोकल, ठीक है। गलती से मेट्रो निकल जाता है, मेट्रो नहीं लोकल, मेट्रो भी चलती है मुंबई में है ना, मेट्रो भी चलती है मुंबई में, लेकिन मेट्रो नहीं लोकल, ठीक है। चलो, इनिशियल गैस इजी है और इनिशियल गैस न्यूटन रैप्सन में डिफिकल्ट होता है। टेलीग्राम चैनल की आईडी भी शेयर कर दी है, तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो फटाफट इसको जल्दी से ज्वाइन कर ले, वो फटाफट इसको जल्दी से ज्वाइन कर ले, ठीक है, ताकि आपको सारी क्लासेस के लिंक्स एंड पीडीएफ एंड प्रॉपर डाउट्स मिलते रहे। तो लास्ट क्वेश्चन ये भी बता दीजिए, रेंट कितना देना पड़ेगा वहां रहने के लिए? डिपेंड करता है पीडब्ल्यूएस, वो डिपेंड करता है, उसके बारे में बाद में सोचना, ठीक है। बहुत सारी एप्लीकेशन से वहां पे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं वहां पे, ठीक है ना, वहां पे बहुत सारे पेजेस, बहुत सारी एप्लीकेशन बनी हुई है, कुल मिला के सबको सेटलमेंट हो जाएगा उसकी लोड, मतलब पहले पहुंच तो वहां पे, पहुंच पहले वहां पे, ये सब चीजें अभी से सोचने की नहीं होती, जाना तो यही तेरे को, और तो कुछ सोचना नहीं है, तो पहुंच जाए चुपचाप। ऋतिका इग्नोर नहीं कर रहा हूँ यार, आपका मैसेज ही नहीं दिख रहा है मेरे को बहुत देर से, ठीक है। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर वापस से, अभी फिर आप लोगों की क्लास है वापस से है ना, तो 1:15 15 मिनट वाली जो क्लास है, 1:15 वाली जो क्लास है उसमें सभी बच्चों को आना है, ठीक है। अटानू शाम को 6 बजे के बाद 1:15 वाली क्लास में सभी बच्चों को आना है, जो कि मैं गेट के लिए ले रहा हूँ, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो जिस तरीके से आप लोग अभी इस क्लास में, उसी तरीके से आप उस क्लास में भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।